शो की प्रायोजक है माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भगवान लाल महतो ने रविवार को अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर ऐलान किया कि वह इस वर्ष नगर निगम के महापौर पद का चुनाव लड़ेंगे। शहर की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष पहली बार जनता के वोटों से महापौर चुने जाएंगे। इससे पहले वार्ड पार्षद महापौर चुनते थे। भगवान लाल महतो ने कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हम लोगों ने देखा कि किस तरह महापौर के चुनाव में खरीद फरोख्त का बाजार गर्म रहा, बार बार रुपए के लिए महापौर की कुर्सी बदलती रही। सरकार का डायरेक्ट चुनाव का फैसला सराहनीय है, उन्होंने चुनाव में आने का कारण और लक्ष्य को बताया। उन्होंने बताया कि जब वह जीतेंगे तो किस तरह शहर का विकास करेंगे। उसमें आम जनता की ओर से, आम जनता मालिक की ओर से जो प्रेरणा हम मिलती रहती है बराबर, उसी प्रेरणा के तहत हमने भी निर्णय लिया इस बार महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतरने के लिए। देखिए, पहली बार जनता मालिक के द्वारा जनता के वोट से मेयर का चुनाव होना है। उस चुनाव में मुझ जैसा एक निर्बल कार्यकर्ता भी ये फैसला लिया, क्योंकि हमारा जो आदर्श है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। उसी मूल मंत्र के साथ हमने भी निर्णय लिया है कि भाई महापौर का उम्मीदवारी के लिए हम भी उतरना चाहिए। क्योंकि देखिए, निगम में जो भ्रष्टाचार का फैक्ट्री जो चल रहा है, जो संचालित है विगत 15 वर्षों से, जब से निगम स्थापना हुआ 2002 में, 2002 से लेकर 2007 के बीच का जो कार्यकाल रहा, जिस समय समीर कुमार जी महापौर हुआ करते थे, तो वो 5 साल ठीक चला। 2002 से 7 तक समीर कुमार जी के नेतृत्व में निगम ठीक ठाक चला। 2007 के बाद से जो उसमें लूट खसोट चला, खरीद बिक्री, पार्षद को धर पकड़ करके मेयर को बनाना, कभी उसको गिराना, कभी उसको उठाना, कभी उसको बैठाना, कभी उसको उठाना, यह प्रक्रिया चलता रहा। इस बार पहली बार मुजफ्फरपुर में चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है कि जनता के द्वारा महापौर का उम्मीदवार चुना जाएगा। अब जनता के सामने विकल्प है, अब जनता तय करेगी कि कौन सा उम्मीदवार को हमको वोट देना है, कौन सा उम्मीदवार हमारे लिए सुलभ और सरल रहेगा, जो हर जगह उपलब्ध रहेगा। हमको यदि जनता मौका देती है इस चुनाव में, तो मैं सबसे पहले निगम में जो भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है पहले उसको बंद करवाऊंगा। जो मुजफ्फरपुर शहर के लोग जो जल जमाव की समस्या से बरसों से जो दंश झेल रहे हैं, उसके लिए हमने फैसला लिया है, सबसे पहले हम उसका करेंगे क्या कि जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम और STP, ये इसका निर्माण करा करके जल जमाव की समस्या से सदा के लिए मुक्ति मिलेगी और उसका स्थायी समाधान हम करवाएंगे। दूसरा समस्या है इस शहर में पानी का जो समस्या है, तो पानी बहुत से गरीब परिवार के घरों में पानी नहीं पहुंचा है। अब पानी पहुंचा नहीं है, वहां से कूड़ा उठ नहीं हो रहा है, नियमित सफाई नहीं हो रही है, पानी का टैक्स ले रहे हैं, कूड़ा का टैक्स ले रहे हैं, भाई यूजर चार्ज ले रहे हैं, पानी का चार्ज ले रहे हैं। तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को यह भरोसा दिलाता हूं कि जब तक हर घर में हम पानी नहीं पहुंचाएंगे, हर घर से हम कूड़ा का उठाव नहीं करेंगे, तब तक हम इस किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेंगे। तीसरा है आम गरीब गुरबा जो है यहाँ के हैं, जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं उनको उजाड़ा जाता है। उजाड़ने के पहले निगम के पास जमीन जो है सभी क्षेत्रों में है और बड़ी बड़ी संख्या में बड़ा बड़ा प्लॉट है। हम उन गरीब फुटपाथी दुकानदारों के लिए हम जो है वेंडर जोन का निर्माण कराएंगे और उन सारे गरीबों को प्राथमिकता के आधार पर सबको उसमें हम दुकान आवंटित करेंगे कि ताकि गरीब लोग भी अपने मान सम्मान और इज्जत के साथ अपना व्यापार शुरू करें। अपने सपनों की आशियाओं को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।